जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अनअकैडमी के बारे में बता दें आपके लिए कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपके पास सुनहरा मौका है और इसमें आपकी 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास आपकी यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आपके 20,000 क्वेश्चन क्विज है, जो आप प्रैक्टिस टेस्ट है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्री प्लान में आपके लिए उपलब्ध है। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना है एमपी, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है गोयल एमपीपीएससी व्यापम और आपके लिए रेफरल कोड के रूप में यूज करना है सुमित जैन। रेफरल कोड यूज करेंगे तो एक फ्री प्लान का फायदा ले सकेंगी। क्या आप एमपीपीएससी 2020 से क्रैक करना चाहते हैं, क्रैक करने के लिए तैयार हैं, तो यहां पर एक चैंपियनशिप बैच आया है जिसमें आपको ये चैंपियनशिप बैच है जिसमें यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि अभी इसको आप एनरोल कीजिए। चैंपियनशिप बैच में आपको यहाँ पर थर्ड, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन विनर जो रहते हैं उनके लिए एक महीने का अनअकैडमी के द्वारा फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपके लिए दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अनअकैडमी के जो बैच है वह कौन कौन से बैच है यहाँ पर। तो हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी का जो यहाँ पर एमपीपीएससी प्री क्लियर करने का रामबाण कोर्स है आपका 14 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो अभी ज्वाइन कर लें। 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए। और यहाँ पर प्री क्लियर करने के लिए बेहतरीन कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पर 14 जनवरी से, तो अभी ज्वाइन करें। टारगेट एमपीपीएससी प्री कोर्स है, इसमें आपके लिए डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू एवरीडे है और आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट है और यहाँ पर आपको टारगेट है एमपीपीएससी प्री 60 दिन का रिवीजन कोर्स है आपका है जो 14 जनवरी से आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है। और यहाँ पर क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करें। आप मंथ फाउंडेशन बैच जिसमें आपकी प्री मेंस सिलेबस कवर किया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलती है और वीकली मेगा क्विज भी आपके यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 19 जनवरी से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो वहां से आप इनको ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। तो कौन करता है यह आपके लिए यहां पर बताना है, मछली, ईस्ट, मनुष्य या मेंढक। चार विकल्प है, आंसर अगर आपसे बनता है तो आपके लिए कमेंट में जरूर बताना है। आखिरी में यह भी बताएं कि आपसे यहां पर कितने आंसर जो है, कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ईस्ट। ईस्ट यानी कि विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई, कटाई, थ्रेसिंग या फटकना। तो ये आपके चार विकल्प हैं। तो अनाज के दानों को भूसा से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है फटकना। फटकना यानी कि विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, कि कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है, तो कौन सा आवेश है आपके लिए बताना है। कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीन है, चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका धनात्मक। धनात्मक यानी कि विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि क्या है अगला क्वेश्चन, लोटनी घर्षण हमेशा निम्न से अधिक होता है, किससे अधिक होता है यह आपके लिए बताना है। जो लोटनी घर्षण होता है यह हमेशा निम्न से अधिक होता है, तो किससे अधिक, सीमांत घर्षण या इनमें से कोई नहीं, स्थितिक घर्षण या गतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर चार है, चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह और इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांच,
सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो विद्युत धनात्मक तत्व सर्वाधिक कौन सा है यहाँ पर आपके लिए बताना है, CsKLiNe। तो ये आपके जो है चार विकल्प हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वह आपका यहाँ पर है विकल्प नंबर 1, यानी कि CS आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है कहलाता है, भार कहलाता है, कार्य, दाब या प्रणोद, ये आपके जो है चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। आपका यहाँ पर सही आंसर है दाब, दाब यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पर, एक कैलोरी तुल्य होती है, एक कैलोरी तुल्य होती है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। एक कैलोरी तुल्य होती है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि 4.2J आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2, जिन्होंने सॉरी विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पर कि विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रासायनिक प्रभाव या धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी या धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपके जो है यहाँ पर चार विकल्प इस प्रकार दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है। तो अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्र का युग्म है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी बंगाल और केरल और पंजाब, सुंदरबन और कच्छ करण। तो इस प्रकार आपके जो है ये जो है चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सही आंसर है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी डिश धोने वाले यंत्र मशीन धोने में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी डिश है यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों अपश्रव्य तरंगे पराश्रव्य तरंगे। तो निम्न में से कौन सी डिश धोने वाली यंत्र मशीन धोने में प्रयुक्त होती है, तो आपका सही आंसर है पराश्रव्य तरंगे, यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत का कुचालक पूछा है आपसे यहाँ पर, चांदी है, सोना है, पारा है या आपका प्लास्टिक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है, विद्युत का कुचालक पूछा है, तो विद्युत का जो कुचालक है वह प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर, क्या है कि निम्न में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनीय श्रृंखला नहीं है, नहीं पूछा है तो कौन सी नहीं है वह बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो नहीं है तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर आपका, सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 2। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है N3-NS2-Cl- जो है आपका Ci है, यह विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या है अगला क्वेश्चन, तो देख लें यहाँ पर कि गलत NaCl में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर है आपका, क्या है राइट आंसर, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर
आपका दो यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर दो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के द्वारा नया पदार्थ बनता है, तो कौन से परिवर्तन के द्वारा नया पदार्थ बनता है आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, चार विकल्प है, आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताते जाएं। और इसका जो सही आंसर है वह आपका जंग लगना, जंग लगना यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है, जंग लगना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल है, जल होता है एक, क्या होता है यह आपके लिए बताना है, कि घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है एक, इनमें से कोई नहीं, चालक, आंशिक चालक या कुचालक। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का जो राइट आंसर है वह है आपका चालक, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है, तो कोशिका जो झिल्ली होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रित, या आपका अगला विकल्प कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन पर नियंत्रण, या कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने देती है, यह एक जालिका की भांति कार्य करती है जो सिर्फ वसा को गुजरने देती है। तो कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वह है क्या है, मुख्य कार्य यह है जो है कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन पर नियंत्रण रखना, इसका जो है कोशिका झिल्ली का यह मुख्य कार्य, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा है जो रासायनिक नाम जो है सूत्र बताना है इसका, यह कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, और आपका सही आंसर है क्या है, राइट आंसर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, यानी कि आपका NaSCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा क्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि लार में एक पाचक एंजाइम लारिए इमाइलेज जिसके पाचन की शुरुआत करता है, तो कौन करता है इसके पाचन की शुरुआत, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, और इसका सही आंसर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो कार्बोहाइड्रेट आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है प्राथमिक स्रोत, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सौर ऊर्जा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशिक रूप में भिन्न रूप से भिन्न दो माध्यमों में से गुजरती है को कहते हैं, तो इसको कहते हैं, देखिए प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशिक रूप से भिन्न दो माध्यमों से गुजरती है तो इसको कहते हैं अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं, परावर्तन या ध्रुवण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका अपवर्तन, अपवर्तन यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं MPPSC प्री के लिए, तो यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बैच कोर्स, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान बैच कोर्स है, संकल्प बैच कोर्स है, तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर आपके लिए जो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच कोर्स है आपका, इसमें आपको 270 से भी जो है ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे आपको, और यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, 28 दिसंबर से है आपका रिवीजन कोर्स जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर संकल्प MPPSC प्री 2020 के लिए है, जिसमें आपके यहाँ पर ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे, और MP के टॉप एजुकेटर इसमें भी शामिल हैं, और यहाँ पर आपको अगर आपने जो है अपने सपनों को साकार करें और अनअकैडमी के साथ आप अपनी मेंस की तैयारी करें कंप्लीट, यहां पर आपको MPPSC मेंस से प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग के साथ 35 दिन का आपका कोर्स है, जिसमें आपको मेंस की जो है पूरी तैयारी करवाई जाएगी, स्वप्न पूर्ति बैच कोर्स है, जिसमें आपको इसमें लाइव क्लास मिलेंगी और PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली क्विज, मेगा क्विज है, और आंसर राइटिंग सीरीज भी उपलब्ध है आपके लिए, यहाँ पर 35 दिन का कोर्स है। और अगर यहाँ पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर आपके लिए क्लिक करना है, इसके बाद आपको ये जो है अनअकैडमी का कोर्स आ जाएगा, ये जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा,
किस प्रकार मिलेगा यह डिस्काउंट, जब आप सुमित जैन रेफरल कोड यूज करेंगे तब आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए याद रखना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट यहाँ पर आप जो है कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ पर आपके लिए मिलेगा। तो देर किस बात की है, आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा हो उसकी तैयारी आप अपनी जो है मजबूत तरीके से यहां से अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, 20 क्वेश्चन अपने यहां पर थे सामान्य विज्ञान के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वह सभी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।